नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराड्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अष्टांग हृदयम ये जो ग्रंथ है, ये जिस तरह से हृदय होता है वैसे आयुर्वेद का ये हृदय वाला ग्रंथ है और इससे बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को ज्ञान भी प्राप्त हो रहा होगा। और जिस तरह से हृदय जो रहता है वो हमारा महामर्म है, तो वैसे अष्टांग हृदयम जो है आयुर्वेद का महामर्म है, तो ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो मैं आदरणीय सर से बोलूंगा, 167-168 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए, बाकी लोग म्यूट रखिए। जी जी हाँ सर। श्वास श्वास नासक हरित किले प्रस्थोन्मिते यवक्वाथे विंशति विजया पचेत सर के पीछे पीछे बोलिए सर, सबको बोलिए प्रस्थोन्मिते विंशति विजया पचेत। लोग बोल नहीं रहे वैद्य जी, सब लोग बोलिए ना सर के पीछे पीछे, शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे। एक मिनट रुकिए, मैं म्यूट अनम्यूट करने का। हाँ, एक बार अनम्यूट करिए आप लोग, सब लोग करके देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं। पिपल्याद्विपलं कर्षं मनोहाय रसाञ्जना हरित किले। ये यहाँ पे यवकाक्वात एक हरण नग लेकर पाक करें, जब हरण सुन्न हो जाए तब इनको मल कर पुराना गुड़ 6 पल पिपली 2 पल मनसिला 1 कर्ष रसार आधा कर्ष मिलाकर फिर पाक करें। यह लेह श्वास का नाशक है। जी, अभी मैं आप लोगों ने एक सक्सेस स्टोरी दिखाना चाहता हूँ लाइव, आप लोग थोड़ा देखिए। सर किशोर गिडवानी सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए कृपया, फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे सक्सेस स्टोरीज। देखिए किशोर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं। हेलो। हाँ सर, आप कृपया वीडियो ऑन करेंगे क्या सर? हाँ करूंगा। हाँ, ये सर को ना हमारे आयुष दर्पण के किसी वैद्य ने भेजा है, तो इनको असाइटिस था, यकृत का पूरा था और पूरा पैरों में स्वेलिंग था, बहुत ज्यादा स्वेलिंग था। 2 दिन पहले आए थे, अब ये सर बताएंगे।
सर आप बताइए सर, आपको क्या क्या तकलीफ था और अभी क्या फायदा हुआ 2 दिन में? मेरे पाँव में बहुत सारा स्वेलिंग था विच वॉज नॉट गोइंग इवन विथ लैसिक्स, और एलोपैथिक डॉक्टर्स ने हमको लैसिक्स पे बहुत दिन रखा था, एंड देन समबडी गेव मी नेम ऑफ डॉक्टर पाठक एंड आई केम टू हिम अबाउट ऑन 10th ऑफ दिस मंथ, एंड विद इन फ्यू डेज माई फीट्स बिकेम एज थिन एज देवर बिफोर, एंड द फोटो आई हैव शेयर्ड विद डॉक्टर पाठक, आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू पुट द फोटो ऑफ माई फीट इफ ही कैन। आपके पास पहले वाला फोटो है क्या सर? पहले पहले वाला का फोटो तो मैं ढूंढ के रखूंगा, बट अभी एक वाला बार फोटो है। अभी का फोटो, अभी का पैर दिखे, मैं फोटो शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। पूरा हाँ 100% गया। अब मैंने क्या दिया था भाई, मैं आपको बताता हूँ सबको। वो हाँ सर मैंने इनको ना एक बार पुनर्नवासव दिया, पुनर्नवासव लेने से, और मैंने कहा कि ज्यादा लेना है, ज्यादा, एक बोतल जो है 450 ml को आपको एक दिन में पीना है। उससे इनको ना विरेचन हो गया, विरेचन होने के साथ में और वो स्वेलिंग भी चला गया। एक बार सर पैर दिखाइए आपका, आपका पैर, कैमरा को वैसे उल्टा करिए। हाँ सर, मैं पैर पे कैमरा वो लैसिक्स नहीं करता है, वो हमारा पुनर्नवारिश पुनर्नवासव करता है। इंटरनल दवाई में पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा मंडोर और यकृत प्लीहारी लौ, आम पाचकवटी, आरोग्यवर्धिनी, ये सब तो दिया ही, क्योंकि इनको असाइटिस का भी था प्रॉब्लम। अच्छा, अभी मैं पैर की तरफ कैमरा कर रहा पैर पैर हूँ। दिखाइए जी, पूरा एकदम नॉर्मल हो गया, नहीं तो ऐसे हाथी पैर की तरह हो गया था स्वेलिंग, जो लैसिक से भी नहीं हो रहा था। देखिए पैर एकदम ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया 2 दिन में। और सर आपको भूख लग रही है क्या? पहले से थोड़ी बेहतर है, बट अभी तक जो पहले मैं भीम की तरह खाता था वो अभी नहीं अभी टाइम लगा, अभी एकदम जादू नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ ना सर 2 दिन नहीं। में। यस और पेट साफ होने से ठीक लग रहा है क्या आपको? हाँ अच्छा लग रहा और पुनर्नवासव कितना डोज में ले रहे हैं सर अभी? है। पुनर्वासा अभी आपने 60 ml किया है, हाँ फोर टेबल स्पून, हाँ तो अभी मैं 60 ml ले रहा हूँ। और आपको किस डॉक्टर ने भेजा था मेरे पास? अब सर मैं बेसिकली मुंबई से हूँ, अभी पुणे शिफ्ट हुआ हूँ। हाँ वहाँ पर मेरी वाइफ की स्कूल में की एक पेरेंट वो डॉक्टर है, तो अच्छा उन्होंने आपका रेफरेंस दिया। जी, वो ना हमारे आयुष दर्पण की कोई डॉक्टर है। हाँ सर, तो हाँ वो अभी मेरे मैडम तो सोई हैं, अगर हाँ वो तभी उठेंगी तो मैं आपको नाम दे आपका सकता फेस भी बहुत ऐसे अच्छा हो, ग्लो कर रहा है सर, एकदम फ्रेश लग रहे हैं अभी। हूँ। थैंक यू सर। हाँ ये देखिए स्वेलिंग कम होता है 2 दिन में पूरा, एक्सिस नहीं कर सकता, वो हमारा दवाई करता है और सर वजन भी, अभी आज का वजन मैंने निकाला है। जी। व्हेन आई केम टू यू व्हाट वाज माय वेट आई विल टेल यू इन अ मोमेंट। अभी कितना है वेट? हाँ बता रहा, एक सेकेंड, आई हैव नोटेड डाउन। आई केम टू यू ऑन 10th, दैट टाइम द वेट वाज 67.6 एंड टुडे 63.5। 3 kg कम हो गया, तो इतना ऑलमोस्ट स्वेलिंग था पैरों में, ऑलमोस्ट 4 kilo हो गया सर चार शायद। किलो इतना स्वेलिंग था पैरों में, दोनों पैरों में। सोचिए इनको चलने में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था, 4 किलो वेट कम हुआ, सोचिए। रवि सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। देखिए ये है आयुर्वेद जो हमने किया ना, वो आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं इनको शाम को भी लाऊंगा, इनकी मैडम को भी फायदा हुआ है, वो हम बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग सर थैंक यू सर, किसी को पूछना है तो पूछने, तो हम आगे पढ़ते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। यस सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, मैं हाँ डॉक्टर आशा तलेल बरोड़ा से। हाँ हाँ सर इनको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी क्या बहुत लंबे टाइम से? सर आपको सर क्या क्या प्रॉब्लम था वो एक बार बता दीजिए सबको, क्या क्या था? आई नेवर हैड बीपी, इट ऑलवेज रिमेन्स 100 एंड
65 or something and pulse limit around 70-72. बीपी का मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं था, इट वाज नॉट देयर. व्हाट प्रॉब्लम आई हैड वाज माय लिवर. द डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर सेड योर लिवर इज ओनली 10-15% वर्किंग. और बेसिकली मैंने इनको अप्रोच किया था लिवर को इम्प्रूव करने का, एंड ही सेज कि ये होगा. डॉक्टर्स ने कहा था लीवर फेल हो गया है, आपका लीवर काम ही नहीं कर रहा, 10% ही काम कर रहा है, ऐसे बोल दिया था. हाँ, बाकी हार्ड हो गया ऐसा बोलते थे. लेकिन मेरे डायग्नोसिस से लीवर का स्त्रोत रुद्ध हुआ है, असल में लीवर फेल नहीं हुआ है, मेरा डायग्नोसिस है. तो मैंने आरोग्य वर्धनी वटी दिया, पुनर्नवासव दिया, लेकिन एक बोतल पीने को 450 ml एक दिन में, उसको लेने से इनको विरेचन हो गया. अब विरेचन होते ही इनका सारा स्वेलिंग वेलिंग कम हुआ, भूख लगने लगा, खाना खाने लगे, मतलब सारा स्त्रोत शुद्धि हो गया पुनर्नवासों से. इतना मतलब फायदा होता है. जी सर, मेलिंगनेस से वेरी लकी सर, आप अच्छे मतलब गाइडेंस में बहुत जल्दी पहुंच गए, अदरवाइज दिस केस लीड टू फेटल कंडीशन. और इनको 4-5 साल से है ना सर, कितने साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? ये स्वेलिंग मुझे आफ्टर कोविड, कोविड हो गया था मुझे, उसके बाद में ये स्वेलिंग शुरू. And I started noticing dark spots on my body, जैसे आपने पांव पे थोड़े देखे होंगे, तो वो भी मिटने शुरू हो गए हैं. सर मेलिग्नेंसी था क्या? नहीं 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 नहीं, स्त्रोतोरोधे, बाकी कुछ नहीं है. नहीं, डॉक्टर्स ने ना डरा दिया इनको कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं है, मेलिग्नेंसी नहीं है, कुछ नहीं है. मैंने अपना डायग्नोसिस करते हुए कहा कि सर आपका लीवर 100% काम करेगा, 3 महीना में, 12 हफ्ते में पूरा ठीक कर दूंगा. मैंने मिलते ही कहा इनको. आई वेंट टू रूबी हॉस्पिटल, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बोला या तो ट्रांसप्लांट करो या हम क्लिप करेंगे. तो नथिंग हैज हैपेंड लाइक दैट, जैसा है वैसा है. सर आपका डायग्नोसिस एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल अवरोधजन्य संक्रांति है इसमें, और कोविड जैसे इन्होंने बताया ना, तो उसमें श्वसन व संस्थान की भी मतलब जो क्रॉनिक संप्राप्ति बन रही है उसके हिसाब से भी बहुत सही किया. ये नॉन मेडिकल है, आप जो बोल रहे हैं इनको नहीं समझेगा लैंग्वेज. बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, आई डोंट नो योर टर्म्स, सो यू टेल मी इन माय टर्म्स. नहीं नहीं सर, एकदम आपने सही वैद्य को चुना है, और जितना भी वो कर रहे हैं ना, दैट इज वेरी प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है. और सबसे मेन की 2 दिन में पेशेंट का स्वेलिंग कम हो गया, दैट इज मिरेकल, यू कैन सी इट एज अ मिरेकल ऑफ आयुर्वेदा. और दूसरा चीज था कि आई वाज अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज़ आई वांटेड टू गो टू द गॉड एज व्हाटएवर ही गेव, तो मुझे दूसरे का लिवर नहीं चाहिए था, तो वो मेरा बेसिक रीजन था, मैं उनको अवॉइड करता रहा ट्रांसप्लांट के लिए. लेकिन आपका लीवर पूरा अच्छा है सर, वो मैंने कहा था ना कि रास्ता ब्लॉक हो गया है, सब रास्ता कचरा भर गया, नाली में से रास्ता भर जाता है, वैसे हो गया है पूरा. हाँ, एक और था, इनको पोर्टल हाइपरटेंशन का भी शिकायत था, पोर्टल हाइपरटेंशन. जी सर, इसीलिए मैंने हाइपरटेंशन के बारे में पूछा, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन में कई बार हाइपरटेंशन क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन भी रहता है, तो ये लीवर हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है इनका, लेकिन अब वो भी कम हो गया होगा पूरा, स्त्रोतोरोध ठीक हो गया. और मैंने क्या सोचा, बोला है उदरहित विरेच नहीं, इनको माइल्ड एसाइटिस भी दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि विरेचन के लिए मैं कुछ और ना दूं, ये आसव से ही करा देता हूँ, इसलिए मैंने पुनर्नवासव ज्यादा पिला दिया इनको, कि आप पूरा बोतल, और उससे विरेचन भी हो गया, स्वेलिंग भी हो गया, स्त्रोत स्रोत भी ठीक हो गया, अग्नि भी बढ़ गया, सब अच्छा हो गया. बहुत बढ़िया किया. जी वो लोग आटोसिरोसिस कहते थे इसको, because I never drink alcohol or something. तो वो बोले ये ऑटोसिरोसिस है, and तो that is it. That was their. Main क्या है ना कि patient के चेहरे थी, थोड़ा जो smile होता है ना, वही हमारा success story रहता है. Patient को खुश होना चाहिए. अभी देखिए सुबह उठ के पूरे एकदम fresh लग रहे, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए. यही तो हमारा मतलब जिंदगी का मकसद होता है कि अच्छा डॉक्टर बनना है. जी
ठीक है सर, प्रभात जी कुछ बोल रहे थे? जी जी सर, मेरा और एक कुछ केस के बारे में। ठीक है तो सर, रेस्पेक्टेड सर, किशोर सर, अभी हम लोग आपको सुनना है तो सुनिए, अभी आपको हम हटा देते, आपको रहना है तो रहिए, आपको सुनना है तो। मैं रहता हूँ, मैं आपका वो सुनता हूँ ना, अभी जो आप ले रहे थे। ठीक है आप सुनिए। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर, प्रभात जी बोलिए सर। सर एक 80 ईयर्स का एक फीमेल है सर, 75 to 80 एज होगा उनका, दो या तीन वर्टिब्रा वो कोलैप्स कर गया है, मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। अच्छा। तो उनको और पूरा बाकी जॉइंट बोन्स भी उस मैंने पोरस है, ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है उनका, तो उनको हम कैसे अभी? उनको ना आपको सर दीपन पाचन करके, आपको आम पाचक करके, उसके बाद में आपको प्रवाल पंचामृत में भेज दूंगा, गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत, 5-5 गोली, 10-10 गोली देना पड़ेगा ज्यादा मात्रा में, है ना। और दूसरा तिक्तक शीर बस्ती आपको देना पड़ेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में तिक्तक शीर बस्ती दे तो नीम मत डालिए, जो कमल मैम बोली, गुड़ूची पटोल यष्टी मधु और किरातिका, इसका लॉन्ग टर्म में दीजिए, एक दिन शीर वाला तेल दीजिए, और एक ना लाक्षादी तेल आता है, लाक्षादी तेल का बस्ती दीजिए या शीर वाला, शीर वाला से बल मिलेगा और लाक्षादी तेल में नेचुरल कैल्शियम होता है उसका बस्ती दीजिए, तो ये पूरा जो अस्थि क्षय हुआ है ना वो पूरा ठीक हो जाएगा। और तखीर में लाक्षादी तेल ऐड करूं? हाँ, क्या क्या घृत? घृत में महातिक्त घृत या गोकुल तिक्त घृत, मैं अल्टरनेट डेज बोला, एक दिन लाक्षादी तेल या चंदन मरा लाक्षादी तेल, लाक्षा होना चाहिए तेल में सर। और पेन है तो शीर वाला तेल पेन भी है। इंटरनल दवाई में रिजुवनेट करना है ना सब, ऑस्टियोजेनेसिस कराना है, तो उसमें नरसिंह रसायन और गुगुल तिक्त घृत इंटरनली दीजिए। और अगर पेशेंट नॉनवेज खाता है तो कुकुटांग त्वक भस्म अस्थि पोषक वटी ये सब दीजिए। हाँ, उसका कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम हमें देना है, तो इसलिए प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित वो दीजिए ज्यादा ज्यादा। हाँ, आशा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, इसमें अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो पेन के साथ इंटरनली संधान्य गण के द्रव्य भी दिए जाए तो आई थिंक जल्दी रिलीफ भी मिलेगा, और जैसे आपने बताया वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो परफेक्ट ही है, इसमें एक मंजिष्ठा और कृष्णी पर्णी में ऐड करना चाहूंगी, और मैं लाक्षा गुगुल और आभा गुगुल वो संधानीय करता है सब संधान, आभा गुगुल लाक्षा गुगुल वो दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। इसमें अर्जुन घृत भी बहुत अच्छा काम करता है, मैंने ए वैस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट में खुद ही अर्जुन छाल से सिद्ध करके उसको अर्जुन घृत और ये जो सर अस्थि श्रृंखला घृत ने इसको मतलब बराबर बराबर करके जैसे 60 ml डाला या 100 ml डाला ऐसे बराबर बराबर रेशो में, तो उससे दोबारा से रीजनरेशन शुरू होता है, बहुत अच्छा काम करता है उसमें। मैडम ये दोनों के मिला के आप बनाए? जी 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 सर, जैसे अर्जुन अलग से, अस्थि श्रृंखला अलग से, और जैसे लाक्षागृत अगर सर कह रहे जो बनाने को वो भी बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट करेगा, तो उसको जैसे बीच बीच में मतलब 50-50 की मात्रा में 30-40 जैसे जैसे पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है उसमें अगर आप देंगे तो इसमें बहुत अच्छा बहुत और आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में, अर्जुन छाल इसमें बहुत अच्छा काम करता है जी। इसका बस्ती करना है? जी मैंने सर बस्ती ही दिया था। जी 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 ठीक, शायर रसात्मा के ना पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान जी सर, पृथ्वी और वायु, पृथ्वी और वायु सर, ये तीनों को मिला के दे सकते हैं एक ही बार? दे सकते हैं। और सर आप ना पेशेंट को घृत पान ज्यादा कराइए सर, सर नॉर्मल घी ठीक है, क्योंकि तो वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है तो हमें स्नेहन कर करके उसका पूरा स्नेहन करना है शरीर में जी सर। आप लोग को मैं ये केस क्यों दिखाया सर का, क्योंकि ना आप लोगों को ना आयुर्वेद पे भरोसा ना चाहिए, कि एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं लीवर फेल हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन है, नहीं होगा लीवर ट्रांसप्लांट, और हम लोगों ने कैसे 2 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट, जो पेशेंट का मोदी जी भी कहते हैं ना कि आप रिजल्ट दिखाइए तभी पेशेंट आप पे भरोसा करेंगे, रिजल्ट आना चाहिए। एक्चुअली सर हमारा डायग्नोसिस आयुर्वेदिक ही होना चाहिए तो तभी हो पाएगा, ये मॉडर्न डायग्नोसिस में ये कंफ्यूजन करता है और उनका कॉन्सेप्ट नहीं ना स्त्रोतोरदु है तो क्या करना चाहिए।
कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो लैसिक्स दे के पेशेंट को वैसे ही करते हैं। अरिंद सर आप इसका वीडियो डालिएगा, क्योंकि पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे फादर को मैंने वही अभी 2-3 महीने पहले गॉलब्लैडर स्टोन रिमूव किया है, तो उनको भी थोड़ा डायबिटिक है और सीआरएफ का भी कंप्लेन मतलब ऐसे सिम्टम्स दिखने लगे थे, तो मैंने बहुत अप्रोच किया उनको, लेकिन मॉडर्न में उनको ज्यादा विश्वास है, वो तो बिल्कुल रेडी नहीं हो रहे, तो आई वॉन्ट टू शो हिम सच काइंड ऑफ मिरेकल्स फ्रॉम आयुर्वेदा। सर प्लीज रिक्वेस्ट एक वीडियो बना दीजिए किशोर सर, आप एक वीडियो बना के दे सकते हैं इनके फादर को करना है तो। सर किशोर सर, हाँ सर, आपके वजह से बहुत सारे लोगों को थोड़ा ये इंस्पिरेशन मिलेगा सर। सर ये वीडियो में क्या होना चाहिए कि आपको पहले क्या था और आपको स्वेलिंग कम हो गया, ऐसे 5 मिनट के आपका एक मैसेज कर देना। ओके आई विल डू दैट। और आपका पैर का भी उसमें थोड़ा फोटो दिखा दीजिएगा, ताकि आशा मैम के फादर को थोड़ा कन्विंस हो जाए। हाँ उसमें मैं ढूंढूंगा, पहले वाला भी जरूर मिलेगा मुझे। और अच्छा एक चीज में टू यू सर, इफ यू डू दैट, इनके फादर जो है ना वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। सर एक चीज मैं भी बोलता हूँ कि मैं भी कन्विंस नहीं था आयुर्वेदा का, मुझे लगता था कि ये हजारों साल पहले लिखा गया है और वो हर्ब्स अभी कहाँ से लाएंगे आप लोग, उस समय की हर्ब्स में और आज की हर्ब्स में बहुत फर्क होगा, तो इस तरह से मेरे मन में डाउट रहता था कि ये आयुर्वेद करूं कि नहीं करूं। और आपको फ्रैंकली बताऊं, आपके पास भी मैं आया था, मेरी मैडम ने कन्विंस किया कि चलो खाली सेकंड ओपिनियन ले लो, फिर आपको देखा तो लगा नहीं ये आपके पास कुछ है, तो मैंने दवा शुरू की। जी और मैंने जैसा कहा था, मैंने कहा था ना कि आपको एक दिन में फायदा होगा, 2 दिन में फायदा होगा, सच में हुआ ना, मेरी बात झूठी नहीं हुई, सच हुआ, नहीं फायदा हुआ। किशोर सर हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण होते हैं, तो हमारे अरविंद सर वैसे ही आप समझ लीजिए, तो उनके हाथों से लिखा है रोगियों का उद्धार होना, एंड यू आर वेरी लकी कि आप अर्ली डायग्नोसिस हो गए आपका सही से, और आपके थ्रू हम जैसे लोगों को और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आयुर्वेद जो जानते हैं वैद्य हैं, लेकिन मतलब कन्विंस नहीं कर पाते हैं इस ऐसे क्रॉनिक डिसीज में, पर्टिकुलरली छोटे मोटे रोग में तो हम हो जाता है कि हाँ चलो हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े डिसीज जो होते हैं ना, इसमें लोगों की मेंटालिटी अभी भी ऐसा है कि नहीं एलोपैथी इज बेस्ट देन आयुर्वेदा, तो अगर ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं तो इट शुड बी पब्लिश्ड सो दैट लोगों का फेथ बढ़े। यस सर, ओके थैंक यू वेरी मच सर। तो सर प्लीज आप एक वीडियो बना दीजिए ताकि इनके पिताजी को भी हम ठीक कर पाए। हाँ सर मैं बना के दूंगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है और किसी को कुछ बताने तो बताइए, नहीं तो हम आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, ये क्या केस था प्लीज एक बार बता दीजिए। अच्छा एक बार फिर से कर लीजिए सर। सर मैं भी शहर से आया था, मैं कहने वाला था सर। किशोर सर, रेस्पेक्टेड सर, आपको क्या प्रॉब्लम था एक बार बता दीजिए अभी, क्योंकि लोग ज्वाइन हुए हैं तो वो भी सुनना चाहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम था। मेरे फीट में स्वेलिंग हो गया था बहुत सारा, देन आई हैड गॉन टू रूबी हॉस्पिटल, वो लोग मुझे लैसिक्स वगैरह खिलाए काफी दिन तक, मगर कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं था, तो हमें इनका पता मिला, डॉक्टर पाठक का बारे में मालूम पड़ा, तो हम इनके पास आए और इन्होंने दवा दी पुनर्निवासा और आरोग्य वर्धनी वगैरह दवाएं उन्होंने दी, और अभी मेरे पैर एकदम नॉर्मल जितने पतले हो गए हैं। मैं आपको फोटो दिखाता, मैं आपको कैमरा उधर करता हूँ। हाँ। इनको नाम भी याद हो गया, देखिए पुनर्नवास आरोग्य वर्धनी, ये इंजीनियर हैं, 76 ईयर ओल्ड हैं, डॉक्टर ने कहा था लीवर ट्रांसप्लांट करना है इनका, एलोपैथी डॉक्टर्स ने, क्योंकि सेरोसिस क्या ऑटो भूख नहीं लग रही थी और पूरा शोध था, ऐसे हाथी पैर की तरह था, और 2 दिन में इनका 4 किलो वेट कम हो गया, इतना मतलब अच्छे से हुआ।
सर आपको यूरिन भी हो रहा है ना ठीक से? प्रॉपर अच्छे से हो रहा है सर, नाइसली जी। तो मैंने इनको ना एक बोतल पुनर्नवासक पिला दिया एक दिन, तो इनको विरेचन भी हो गया, स्त्रोतरोध भी ठीक हो गया और इनका स्वेलिंग भी कम हो गया। अब पुनर्नवासक कम कर दिया है, 60 ml कर दिया है। सर आप जो आपका फार्मूला है ना, आप जो रिस्क लेते हो दवाई का बड़े सिस्टम से, जैसे मेरे को भी बताया एक पेशेंट को 50 ml 3 घंटे बाद हो, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किशोर सर आपने एलोपैथी नहीं लिया ना? मैंने मना किया था कि सब बंद कर दीजिए। आपने सिर्फ अलाउ किया था वो थायरोनॉर्म और वो मैं कंटिन्यू किया जो आपने अलाउ किया। दो दवाई, इनको 15 दवाइयां चल रही थी एलोपैथी की, सब बंद कर दिया मैंने। बस 2 दिन एक थायरोनॉर्म दिया है कि अभी थायराइड कर लीजिए, बाकी हम करेंगे, बाकी सब बंद कर दिया सब। इतना मतलब मैंने रिस्क लिया कि हाँ चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने किया, तो इसलिए देखिए पेशेंट कितना खुश है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, इतना नींद भी कंप्लीट हो गया इनका, फ्रेश हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसके बाद आपका धन्यवाद। अब ये 100 साल आराम से जिएंगे, 1 सेंचुरी मारेंगे और भी बहुत दिन जिएंगे सर। क्या बात है जी। 100 साल तो मैं जीऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में जो लकीरें हैं वो 100 साल की हैं। मगर हेल्दी जीऊंगा दैट इज करेक्ट। हाँ वही तो, हेल्दी ही जियोगे सर आप, जहां आप पहुंच गए हो ना, परामर्श लेते रहना। इनको 2 साल से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था लेकिन वो लोग भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। मुंबई में आयुर्वेदिक भी चल रहा था है ना सर? हाँ सर मुंबई में, मगर एक फायदा जरूर हुआ कि मुझे सांस की शिकायत होती थी, तो उन्होंने डायग्नोस किया कि सांस की शिकायत नहीं है, आपका डाइजेशन। उन्होंने डाइजेशन की दवा दी और मेरे सांस की शिकायत बंद हो गई। उन्होंने क्या क्या दवाई दिया था सर, याद है आपको? सर वो लोग कभी नाम नहीं बताते थे, वो लोग अपनी पूड़ी बना के देते थे। और मेरा जो ये अस्थमा जिसको बोलते थे ब्रोंकाइल अस्थमा या एलर्जी, 23 साल की उम्र से शुरू हुआ और काफी साल मैंने स्ट्रगल किया, लगभग 30 साल के बाद ये डॉक्टर मिले, उन्होंने ठीक कर दिया जी। टिल दैट आई वाज ऑन जानुमेट एंड अदर। तो इनका उम्र बढ़ाया ही है। हाँ वो तो काम हुआ ही है, लेकिन मैंने तो सर आपको सब नाम बताया, मैंने तो कोई भी छुपाया नहीं, आपको नहीं, सब आप, नाम मालूम है। यस दैट इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दीस नेम्स। हां पुनर्नवासो आरोग्यवर्धिनी, पुनर्नवा मंडो, पुनर्नवा गूगल, मैं कोई छिपाता नहीं, सब ओपन है। सर अभी एज क्या है? सर की एज है 76 और इंजीनियर है सर, रिटायर हो गए हैं और मुंबई में रहते थे, अभी पुणे में हैं, ब्रह्मा सन सिटी में रहते हैं। बॉम्बे में मैं गोदरेज में काम करता था और पुणे में मेरा बेटा सेटल हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे बाजू में रहो, तो आई लिव नियर बाय जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे सर बात करके। आप हमारे सेशन में ज्वाइन रहिए सर, हम संस्कृत में देख के कैसे पढ़ते हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा। हाँ यस सर। अरविंद सर, हाँ जी सर, आपको शत शत नमन, आपने इतना अच्छा किया है, यू आर सो इंटेलिजेंट, थैंक यू सो मच सर जी। आरती शर्मा मैम बोल रही है, वो घी जो कैंसर का है उसका नाम है इरमुंगलीकृत सहस्त्र योगम नाम का जो पुस्तक है जो चलता है साउथ इंडिया में, उसका रेफरेंस है इरमुंगलीकृत। व्याघ्र एरन जो होता है ना उसको इरमुंगली बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हरित की अवले, इसमें जौ, जौ आप लोग को मालूम है, हम लोग जो दशहरा में ये करते हैं नवरात्रि में जौ का काढ़ा बनाना है एक प्रस, हल्दी हरट जो है हरित की वो 20 लेना है, उसका पाक करना है। जब हल्दी हरट जो है, हल्दी नहीं हरट जो है वो स्विन्न हो जाए, जैसे हम लोग च्यवनप्राश बनाते हैं तो पानी में उबाल देते हैं तो स्विन्न हो जाता है, उसी तरह से वो फूल जाता है तो स्विन्न हो जाए, तो इसको मल के इसमें मतलब उसको पीस के पूरा और उसका कल्क बना, गुड़ डालना है 6 पल, पिपली 2 पल, मनशिला 1 क्रश, रसौत आधा क्रश मिलाकर पाक करना है। यह जो है श्वास का के लिए सबसे अच्छा बताया, इसका हम टीका पढ़ेंगे 167-168 नंबर का जो श्लोक है उसका टीका कौन पढ़ेगा? किसको संस्कृत पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है वो पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ।
आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं जी सर, मैं पढ़ दूं? हाँ आप पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। संग्रह का अर्थ क्या? सर्वांग सुंदर, सर्वांग सुंदर बोलिए। सर्वांग सुंदर में से हमेशा ये मिसकलती हो जाती है। सर्वांग सुंदर ठीक है। यवक्पाथे प्रस्थ प्रमाणे हरित किंची यतिं पचेत। इसका मतलब यह है कि यवक्वाथे सप्तमी एकवचन, जौ का काढ़ा में एक प्रस्थ लेना है, उतना प्रमाण में लेना है। हरित की विंशति पचेत, विंशति मतलब 20, हरित की को पकाना है। वो छोटी हरड़ आती है वो लेना है सर इतना? कोई भी लीजिए, इन्होंने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, आप बाल हरित की लीजिए, सुरवारी हरित की, जो भी आपको हरित की लेना है 20 लेना है। स्विन्नास्ता हरित की तस्मिन, मतलब इसमें हरित की को पकाना है। हाँ। तस्मिन यवक्वाथे, और फिर उसको यवक्वाथ लेकर उसमें उसमें यवक्वाथ में सप्तमी एक वचन जी, उसमें उसे यवक्वाथ में पकाना है। हाँ। मुदित्वा पुराणाद गुणाद षटपद। हाँ, उसको मुदित करना है। आप लोग च्यवनप्राश बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं च्यवनप्राश? आंवले को काढ़े में स्वीन करते हैं ना जी? हाँ, वैसे ये भी कर रहे हैं उसको, फिर मर्दन करके मृदित्वा पुराण गुणा षटपल, छह पल गुड़ में, पुराण गुड़ में लेके पिपल या द्विपल, पिपली दो पल लेना है। कर्ष मनशिला या एक कर्ष मनशिला। हाँ। रसाजनार्ध अर्धकर्ष, रसाजनार्ध अर्धकर्ष, आधा कर्ष रसादन रसांजन लेना है। दत्या अस्मिन क्वाथे पुनः पचे, इस प्रकार से इस मात्रा में ये द्रव्य लेकर उन्हें उस काढ़े को फिर से पकाना है। हाँ। सलेह श्वास कास जित, इस हाँ। प्रकार से तैयार किया हुआ जो अवलेह कल्पना है वो श्वास कास में बहुत लाभदायी है। हाँ। और जो मेरे अभी पेशेंट आए ना, अभी जो है मतलब यहाँ पर भी है, ये किशोर सर जो है ना, ये 76 एज में है और ये नॉन मेडिको है, लेकिन इन्होंने मतलब इंजीनियर प्रोफेशन के हैं, तो इन्होंने अभी संस्कृत में एमए का किया है, मतलब एमए कर लिया इन्होंने, इतना इंटरेस्ट है कि संस्कृत पढ़ना है। विद्या को कोई बात नहीं है उम्र का। हाँ किशोर सर आप हैं क्या सर? आप लोग देखिए, किशोर सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए सर। हाँ अनम्यूट किया सर, आपने वीडियो दिखाइए सर आपका, आपने कहाँ से संस्कृत में एमए किया है वो बताइए अपने बारे में, बाकी लोग भी करें। संस्कृत में सर मैंने एमए की पदवी नहीं की है, बट बॉम्बे में क्लासेस चलते हैं संस्कृत के फॉर लेमैन हु डोंट नो संस्कृत, तो वो मैंने 3 साल अटेंड किए हैं जी। तो आपने यहाँ पे बीए और एमए कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ओके सर। हाँ तो सर आपको ये सब समझ आ रहा होगा हम लोग जो पढ़ रहे हैं? हाँ सर, वो तो काफी इजी है, मतलब इतना मुश्किल संस्कृत नहीं है वो जी। ठीक है, आप लोग भी संस्कृत पढ़िए, और मैं तो यहाँ सबको पढ़ा ही रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आयुर्वेद रसायन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ सर। आप पढ़िए सर। हाँ परितके लेह माह प्रस्थोन्मित इति। हाँ, प्रस्थोन्मित इति जो है स्टार्ट किया जो है ये श्लोक का स्टार्टिंग, इसका समरी क्या है? तो ये हरित की अवलेह के बारे में बताया है। ता हरित की तस्मिन जवक्वाथे मृदित्व निरस्थिकृत्य मर्दनेन स्लक्षणी कुर्यादित्यर्थ। इस रुके, इसका मतलब है कि ताम, ताम जो शब्द बोला है श्लोक में उसका मतलब हरित की है। तस्मिन मतलब यवक्वाथ में, सप्तमी एक वचन, मृदयित्वा निरस्थिकृत्य मतलब इसको हम लोग जब ये करते हैं बॉयल करते हैं तो स्विन्न हो जाता है, तो निरस्थिकृत्य मतलब उसका बीज निकाल देना है। मर्दनेन मर्दन करना है, श्लथि कुर्याद इत्यर्थ, श्लथि कुर्याद मतलब उसको सॉफ्ट कर देना है मर्दन कर करके। आगे पढ़िए बंगसेने कासा श्लोक 170 स मूल पुष्प छद कंटक कंटकार्य स्थूला जल द्रोण। ओके सर, जल द्रोण परिश्रुतांच परितकिनाच सत निदध्यात्ताथार्त्र पक्व चरणाबसेसम। हाँ,
इसका मतलब है कि योग रत्न, योग रत्नाकर में भी मतलब सप्तमी वंगसेन में भी, ये बताया कास्ट श्लोक अध्याय श्लोक में 170 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि समूल पुष्प छद कंठकार्य स्तुला, कंठकार्य का मूल लेना है, कंठकार्य का फूल लेना है, कंठकार्य का सब चीज लेना है, जो पंचांग होते हैं वो लेना है। जल द्रोण परिफ्लुताम च, एक द्रोण जल में लेके और उसका काढ़ा बनाना है। फिर हरित की ना च शत, मतलब ये हरित की को 100 हरित की लेना है और इसको स्वर्ण करना है। और उसी तरह से फिर मतलब जैसे ये बताया है ना उसी तरह से फिर आगे गुड़म दत्वा पढ़िए, गुड़स्य दत्वा, गुड़स्य दत्वा सतमेतद अग्नो विपक्क मुत्तार्य तत् सुसीते। जी, इसमें बोल रहे हैं कि गुड़ डालना है और शतमेतद अग्नो 100 इतना अग्नि देना है, 100 मेतद अग्नो गुड़ शायद शत मात्रा में डाला है कुछ, और इसको फिर पकाना है, पकाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए शतपल होगा, ये गुड़ जो है शायद शतपल है, इतना मात्रा में लेना है, और जब ठंडा हो जाए तब क्या करना है प्रक्षेप द्रव्य, ये अवलेह टाइप बन गया है, इसमें प्रक्षेप द्रव्य क्या डाला है तो पढ़िए, कटुत्रिकच त्रिपल प्रमाण पलानी सट पुष्प रसस्य तत्र। कटुत्रिक मतलब त्रिकटु लेना है त्रिपल के प्रमाण में, और छह पल के प्रमाण में पुष्प रसस्य तत्र। अब एक मिनट, पांचवा नंबर क्या है, पुष्प रस मतलब क्या पता है, पांचवा सच्यापी मतलब कंठकारी का ही जो पुष्प का रस है, मतलब पुष्प रस कंठकारी के फूल का रस उसमें डालना है प्रक्षेप द्रव्य। आगे क्षिपे चातुर्बल, एक मिनट, हाँ क्षिपे चातुर चातुर्जात पल जथाग्नि प्रयुज्यमानो विधि मा अवलेह। हाँ, शिपे चातुर्जात पल मतलब इसके ऊपर प्रक्षेप द्रव्य चातुर्जात डालना है। चातुर्जात क्या होता है ये आप लोग बताइए, मोनिका मैम बताइए, चातुर्जात में क्या क्या होते हैं, चार चीज इसको आता है, त्वग एला तेज पत्ता केसर और नाग केसर मुझे। हाँ, ये चार चीजें डालनी है, फिर अग्नि पे थोड़ा पकाना है, इस तरह से ये अवलेह बन जाता है प्रक्षेप, प्रक्षेप डालने के बाद वातात्मक पित्तक पित्त कफोद्भव च द्वि दोषज कासम अपि त्रि दोषज। हाँ, तो इसमें वातात्मक जो रहेगा खांसी आएगा, पित्त और कफ वाला खांसी आएगा, या द्वि दोषज वात पित्त पित्त कफ वात कफ, ऐसे खांसी में या तीनों दोष वाले खांसी में, इन सब में बहुत अच्छा काम करते हैं। क्षतोद्भव च क्षय क्षयज च अन्यत् पीनसज पीनस श्वास उरक्षतज। हाँ, तो शतोद शत वाला जो खांसी है, जो इंजुरी हो गया खांस खांस के उसमें, या जो धातु क्षयात्मक अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय से जो खांसी आ गई है जिसमें धातुओं का क्षय हुआ है, कमजोरी की वजह से खांसी आ रही है, उस सब में ये काम करता है। पीनस मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस, श्वास मतलब अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा, और शत मतलब इंजुरी, इंजुरी की वजह से जो खांसी आ रही है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। यक्ष्माणम् एकादश रूपम उग्र भृगुपदिष्ट ही रसायनम स्यात्। हाँ, तो भृगु ऋषि ने ऐसा बोला है कि एकादश रूप का जो यक्ष्मा है जो उग्र रूप में है उसमें ये रसायन के रूप में काम करता है, तो क्या है कंटकारी अवले है, कंटकारी अवले पुष्प रसस्थ मधुन। हाँ, इन्होंने मादाय, हाँ तुला मादाय बासाय पंचदश गुणे जले। हाँ, इसमें मधुर पुष्प रस से मधुन मतलब यष्टि मधु का यूज किया है, और जो ऊपर हमने नीचे देखा था वो कंठकारी का फूल का, लेकिन यहाँ पर मधुन मतलब यष्टि मधु के फूल का, ये इन्होंने एक इलाबरेट किया कि इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके बाद में अब इन्होंने कंठकारी अवलेह खत्म कर दिया, अब बता रहे हैं तो वासा अवलेह बता रहे हैं, तो एक तुला मात्रा में वासा लेना है, 8 गुना जल में उसको पकाना है, पचे दस गुने जले वासा अवलेह बता रहे। आगे न पदावशेषेण, न पदावशेषेण पाचयेत अभयाडकम। हाँ, तो इसको न पकाना है, तो पाचयेत अभयाडकम मतलब हरित की एक आडक मात्रा में डालकर उसको पकाना है। श्लक्षण चूर्णीकृत
न पादावशेषण जो बोल रहे हैं, तो इसमें ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको कितना भाग में, कितना पाद में अवशेष रखना है, मतलब पकाते टाइम ही अभया डालना है, एक आधक अभया का काढ़ा डाल के फिर पकाना है, ऐसे बोल रहे हैं। श्लक्षण चूर्णीकृत विद्धात खंडा खंडात शुद्धात तथा सतम। इसमें चूर्ण जो है वो खंडात मतलब शायद जो चीनी होता है वो डालने के लिए बोल रहे हैं। विद्यात खंडात शुद्धात तथा शतम, शत पल्व के मात्रा में खंडात शुद्धात किसका चूर्ण डालने को बोल रहे हैं, चूर्णीकृत शायद अभ्या का हृदकी का चूर्ण डालने के लिए बोल रहे हैं, उसको डालने के लिए बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं शीति भूते पढ़िए। शीति भूते निदध्याच क्षुद्रस्यास्तो पलानित, जब ये ठंडा हो जाए, क्योंकि मधु को कभी भी गरम गरम नहीं करना चाहिए, तो जब ये ठंडा हो जाए वासा और हरित की इसका जो पूरा अवलेह टाइप बना है उबाल के, और मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने पहले अभ्या का एक आढ़क काढ़ा डाला, उन्होंने पहले वासा का डाला, वासा का काढ़ा बनाया, अभ्या का मतलब हरित की का काढ़ा बनाया, और उसके बाद में इन्होंने चूर्ण भी डाला अभ्या का हरित की का शत पल के मात्रा में, तो ये एक तरह से गाढ़ा बन गया है। फिर ये जब ठंडा हो जाए तब इसमें मधु डाला है, आठ पल इतना मात्रा में डाला है। बसुत भवाया चत्वारी पिप्पल अर्ध पल तथा, हाँ तो इन्होंने वशोद भवाया चत्वारी पिप्पल अर्ध पलम, वशोद भवाया का मतलब नहीं समझ आ रहा है, चार चत्वारी चार चीज कुछ तो डालने को बोल रहे हैं, और अर्धपल पिपली डालने के लिए बोल रहे हैं। वशोद भवा करके कुछ, वशोद भवा करके कोई वनस्पति है, वो चार पल ऐसे डालने के लिए बोल रहे हैं, और पिपली आधा पल डालने के लिए बोल रहे हैं। चतुर्जात पल चैव चूर्णित तत्र दापयेत, चतुर्जात जो रहता है वो डालना है एक पल के मात्रा में, वो डाल के प्रक्षेप द्रव्य डाल के इस तरह से अवलेह बनाए। वशोद भवा करके क्या वनस्पति है वो चेक करना पड़ेगा। हाँ अभी वासावले जो है ना ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कौन कौन में कर रहे हैं पढ़िए, रक्तपित्त रक्तपित्त निहंतेसा कास श्वास तथा क्षयम निद्रधि जठर गुल्म तृष्ण हृद रोग पीनसा। जी तो ये वासावले जो है, हाँ पढ़ लीजिए पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पलार्थ भक्षयेत अस्य यथेष्ट यात्रा भोजनम इति। हाँ तो ये ना वासावले है, तो वासा है तो रक्तपित्त में श्रेष्ठ है, तो रक्तपित्त में काम करता है, कास में श्वास में क्षय रोग में विद्रधि रोग में जठर मतलब उदर रोग जो है, फिर गुल्म रोग में तृष्णा रोग में हृदय रोग में पीनेस मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस में, और इसको कितना है आधा आधा पल के मात्रा में लेना है। यथेष्ट चात्र भोजनम मतलब जो खाना खाते हैं ना उसके साथ में, और इष्ट भोजनम ऐसे बोल रहे हैं जो इंसान खाना ना मन पसंद खा रहा है, इष्ट भोजन के साथ में आधा पल की मात्रा में लेना है। इष्ट भोजन का भी महत्व रहता है, हम लोग कुछ भी बोलेंगे पत्रकार की ये खाओ मूंग दाल खाओ ये खाओ तो नहीं, इष्ट भोजन के साथ देना है। ठीक है सर एक बार समराइज कर दीजिए ना ये वासावले फिर से। वासावले में क्या है कि तुला एक तुला मात्रा में वासा लेना है, आठ गुना जल में पकाना है, फिर उसके बाद में इसको न पादावशेषण इसको अभी पूरा आधा नहीं किया हमने, आठ गुना जल में पका ही रहे, उसमें पाचित अभ्याढ़कम मतलब एक आढ़क अभ्या का जो काढ़ा है वो डाल के इसको पकाना है, अभी पका ही रहे तो श्लक्षण चूर्णीकृत मतलब श्लक्षण जो अभ्या है विशुद्धात खंडा शुद्धा तथा शतम, शतपल मात्रा में श्लक्षण चूर्ण जो रहता है एकदम फाइन पाउडर रहता है वह डाल देना है, इसमें मिक्स कर देना है। फिर ये मिक्स करने के बाद क्या करना है, शीति भूते निदध्याच जब ये ठंडा हो जाता है तो आठ पल के मात्रा में मधु डालना है। फिर ये वशोद भवाया ये कोई वनस्पति है, ये चार पल की मात्रा में लेना है, पिपली अर्ध पल की मात्रा में लेना है, चातुर्जात एक पल की मात्रा में डाल के चूर्ण को डाल के इसको मिक्स कर देना है, इस तरह से वासावले बन जाता है। इसमें वशोद भवा मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये ढूंढना पड़ेगा। तो ये वासावले रक्त पित्त में
काश श्वास छह में, विद्रति में, उदर रोग में, गुल्म में, तृष्णा रोग, पीनस में काम करते हैं आधा पल की मात्रा में। चतुर्द्वार और वासा है सर? नहीं मोनिका मैम फिर से बोलिए। दालचीनी ये तो मुकेश साहू जी आराम से बना लेंगे बादशाह बोले। मुकेश साहू जी हैं क्या जी? मुकेश साहू जी हैं शायद। ठीक है तो आप लोग बताइए ये बनाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सेशन प्रणाम सर। आपने बनाया होगा ऐसे वासा ने कभी? हाँ सर बनाया है, मैंने 3-4 बार बना चुका है। तो इसमें हरितकी वगैरह डाल के बनाए कभी इस तरह से? नहीं सर बिना हरितकी के डाला, बिना हरितकी चूर्ण के बनाया। बाकी तो जैसे वासावला लेते हैं वासावले का काढ़ा बना लेते, काढ़ा बनाने के बाद वो जो वासा पत्र का पंचांग का काढ़ा बनाने के बाद उसमें घृत और चीनी डाल के उसको पका लेते हैं और उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो उसमें प्रक्षेप द्रव डाल देते हैं और ये मधु डाल देते हैं। इस प्रकार बनाया। सर मार्केट वाला बच्चे नहीं खाते हैं, उसका टेस्ट अजीब सा रहता है, बनाना पड़ेगा उसको। नहीं अरे भाषा तो ऐसे पुकार के बोलता है भी जब तक मैं हूँ। एक श्लोक भी है भी मैं जब तक हूँ नर नारी काहे दुख पा रहे हैं। गुरु जी भी श्लोक सुना कर ना उसका अर्थ करते थे भी। वो बांसा है, बांसा है, बांसे के बारे में जी। ठीक है मुकेश जी क्या बोल रहे थे आप? ऐसे ऐसे बोला था कभी जैसे ये जो हरित की काढ़ा का नहीं डाला, केवल वासा जो पंचांग होता है ना उसी का उपयोग करके बनाया हुआ है। हाँ लेकिन उसको पहले हाँ। काढ़ा बना लिया, काढ़ा बनाने के बाद फिर उसको घृत डाल के शहद डाल चीनी डाल के शर्करा डाल के पका लिया और उसके बाद आपने प्योर मतलब वासा का अवले बनाया आपने? हाँ वासा अवले बनाया, हरितकी नहीं डाला। हरितकी वाला ये बनाने के लिए बोल रहे हैं। हरितकी को अभया बोलते हैं, ये मतलब एंजाइटी और डर भय इन सबको दूर कर देता है इसलिए अभया बोलते हैं। अब की बार सर बनाएंगे इसको बनाएंगे हरितकी वाला, ये जो चल रहा है ये आप बनाइए फिर अमेरिका में एक्सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा अमेरिका और कनाडा में एक्सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर, जरूर बनाऊंगा। पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। सर मैं ये ना आजकल उसमें नहीं आता, अवले फॉर्म में नहीं आता, आजकल ये ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है। तो मैं क्या करता हूँ जैसे मेरे पीनस वगैरह के एलर्जिक रेनाइटिस के जो केस आते हैं ना उसमें वासावले और ये चित्रक हरितकी का दोनों का ये ग्रेन्यूल टाइप में उसको मिक्स करके और देता हूँ तो बहुत ज्यादा इमेजिंग रिजल्ट मिलता है जी। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए सर। किसी ने संवर्धन तो बनाया है क्या? संवर्धन ग्रुप, संवर्धन ग्रुप, संवर्धन मेरे पास से मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। मेरे सर के इधर बनता है, मैं बताऊंगा क्या रेट है मुझे नहीं पता बनता है। सर कैन आई आस्क समथिंग? हाँ किशोर सर आप कृपया वीडियो ऑन करिए सर। सर कुछ पूछना चाहते हैं? ये जो आप भजन की बात कर रहे हैं तुला और हाँ, वो क्या होता है ये? सर पहले के जमाने में केजी और मिलीग्राम ये सब नहीं होता था। तो मोनिका मैम आपको मालूम है एक आढ़ा कितना होता है, एक तुला कितना होता है? एक बार देख के बताइए ना प्लीज अगर आपके पास है तो। जी सर 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट में सर बता रहे हैं। पहले के जमाने में केजी और ये सब ये तो अंग्रेजों ने लाया उसका, ये मैम बता दूंगी 2 मिनट में। ये सर वो प्रमाण होते हैं जैसे तोलने का ना प्रमाण, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेकिन मोनिका मैम बता रही हैं अभी 2 मिनट में। तब तक आप कोई प्रेयर कर दीजिए क्योंकि अभी टाइम हो गया। मोनिका मैम तब तक ला रही हैं, तब तक अनुरिता मैम आपको आता है एक तुला कितना होता है, एक आढ़क कितना होता है?
नहीं सर, मेरे पास सामने लिखा हुआ नहीं सर, एक मेरे पास फल कितना होता है? हाँ। वो याद करने के बाद में भी ध्यान में नहीं रहता, सॉरी सर। सर एक पल मतलब तो अपना 48 या 40 ग्राम जितना होता है। हाँ। और अगर आप ml में देखोगे तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रमाण बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। शास्त्रों में 40 से 45 ग्राम तक का बताया है। हाँ। और एक तुला, और एक तुला का सर नहीं पता है। और एक तुला सर 10 ग्राम, वैसे 12 ग्राम तुला हो गया, 10 ग्राम लेते हैं। ये तुला है, तुला है, तोला तोला। हाँ। सर एक आड़क 12 किलो, 12 किलो एक आड़क हो गया सर। किशोर सर, और तुला कितना होता है? एक तुला सर, मैं आपको सर किशोर सर भेज दूंगा ये सब। ओके सर, थैंक यू सर। एक तुला मतलब 10 ग्राम होता है शायद, तोला नहीं है, तुला है, तुला है, तुला ज्यादा होता। अच्छा, तुला है, तुला मीन्स मतलब 500 से भी ज्यादा होगा। हाँ। क्योंकि जैसे यहाँ वासा का प्रमाण बताया गया है और ले फॉर्म में करना है तो इट में बी मोर देन 500 to 600। लेकिन अभी ना पुराने जमाने का इंडिया में हम लोग जैसे कैरेट होता है वैसे गोल्ड को हम लोग तुला में करते हैं। एक तुला इज इक्वल टू 4 kg 800 ग्राम। सर 4.8 kg। 4.8, ओके 4.8 kg सर। किशोर सर, और हाँ गोल्ड को हम लोग तोला में करते ना, कितना तोला गोल्ड है? तोला तो 12 ग्राम। हाँ, 12 ग्राम 12 नहीं 10 ग्राम होता है ना सर एक तोला? नहीं नहीं मैडम, नहीं मैम, 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम सर गोल्ड का। जी जी, 11 पॉइंट समथिंग होता है, ऑलमोस्ट 12। गोल्ड का 10 ग्राम होता है और ये आपने 10 ग्राम तो 10 ग्राम हो गया सर, पहले 12 ग्राम था अभी 10 ग्राम हो गया सर, मैंने ग्रुप में डाल दिया सारे मान। ओके, मैं सर को भेज दूंगा किशोर सर, ग्रुप में डाले मैंने। हाँ जी, जो हमारे प्रमाण है ना आयुर्वेद में औषधियों के प्रमाण है ना जो पहले लिखे है वो एक तोला 12 ग्राम का है। जी जी जी, अब सोना सोने वाले कुछ भी करे हमें सोने वालों से क्या मतलब, हमें तो अपने आयुर्वेद। नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि पुराने जमाने का अभी भी चल रहा है तोला जो है केवल गोल्ड तक है सीमित। लेकिन वो 12 ग्राम नहीं देते, 10 ग्राम ही देते, वहां पे भी मारते गोल्ड हमारे ऋषि मुनियों का सबसे ऊपर है मैम। लेकिन फिर अपने को जो भस्म वगैरह मिलते हैं ना वो उसी ग्राम और उसी इसमें मिलते हैं ना काउंटिंग में, राइट? अभी थोड़ा प्रेयर कर देते हैं, कौन करेगा प्रेयर? कौन करेगा? पवन जी, मोनिका मैम, कोई करिए प्रेयर, कोई और करना चाहे तो करे। मोनिका मैम रुद्राष्टक का मैं वो कर दूंगा, और वंदना मैम का भी सुनने का मन कर रहा है कितने दिन से। वंदना मैम तो साइलेंट, कल भी नहीं आई। अब तो श्रावण भी शुरू होने वाला है ना, शायद एक दो दिन में हो जाएगा। वंदना मैम आप करिए ना प्लीज, कल शायद पहला दिन है सर, आज पहला दिन है, सॉरी पहला दिन है जी। तो आज वंदना मैम आप करेंगी क्या श्रावण को? वंदना मैम कल भी नहीं थी मैम, कितना हम लोग मिस कर रहे थे मैम को। कल मैम उनके गुरुजी को मिलने के लिए गई थी। वंदना मैम कोई तो गाना गा दीजिए ना, वंदना कर दीजिए आप मैम, गणपति वंदना ही कर दीजिए आपकी सुरीली आवाज में। आवाज सुरीली तो बिल्कुल नहीं है सभी को, नमस्ते। वंदना मैम चरण स्पर्श, कल गुरुजी ने ज्यादा प्रसाद दे दिया आपको, ज्यादा खिला दिया इसलिए गल ऐसी होगी। नहीं नहीं, सेवा में थी कल मैं, प्रसाद तो अभी सब पैकेट ही बटे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोनिका मैम आप थोड़ा करिए, मैं जाती हूँ। ये सोच रही है तब तक आप, मोनिका मैम तब तक आप कर दीजिए। जी सर, जी सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं गतोहं
तुषारादिशङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोघताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। अब कौन करेगा? पवन सर, तरुण मिश्रा जी, आशा जी, कोई करिए। जी करता हूं मैं। सावन शुरू होता है तो एक विष्णु वंदना भी होनी चाहिए। पवन सर आप कर लीजिए। आप कर दो विष्णु विष्णु की वंदना, तो फिर मैं शांति पाठ और एक छोटी सी प्रेयर में बोलता हूं। जी ठीक है। शान्ताकारं भुजगशयनं विश्वाधारं गगनप्रतं दीर्घवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलवर्णं योगी ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। वंदना मैम आप आज करेंगी कि कल करेंगी? कल कल कल। ठीक है, तो पवन जी आप कर दीजिए प्लीज। जी। ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपीथे जम्बूफल चार बक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हरद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तुमी हो माता पिता तुमी हो
तुमी हो बंधु सखा तुमी हो, तुमी हो माता पिता तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो, तुमी हो साथी तुमी सहारे, कोई नहीं अपना सिवा तुम्हारे, तुमी हो साथी तुमी सहारे, कोई नहीं अपना सिवा तुम्हारे, तुमी हो नैया तुमी खिवैया, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो, तुमी हो माता पिता तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो, तुमी हो माता पिता तुमी हो, तुमी हो बंधु सखा तुमी हो। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गम, शांति पृथ्वी शांति रापः, शांति रोषधया शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगम शांति शांति रेवा, शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम सभी वैद्यगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा सब पर बनी रहे। भगवान शिव पर अपार कृपा करें। थैंक यू सर, थैंक यू मोनिका मैम, धन्यवाद सर, प्रणाम सभी को जी। तो अब हम शाम को मिलेंगे। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।